आज हम आपको जिस निर्देशक से मिलवाने जा रहे हैं उन्हें कॉमेडी फिल्मों का बादशाह माना जाता है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक कतार में कामयाब फिल्में बनाई हैं उनका नाम काफी है सिनेमाघरों के बाहर भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनका नाम पढ़कर अंदाजा हो जाता है कि उनकी फिल्म अगले दो घंटों में हमारा भरपूर मनोरंजन करेगी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है टॉप डायरेक्टर डेविड धवन जो अपनी नई फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब के संदर्भ में हमसे चर्चा करेंगे

मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि इतनी फिल्में फिल्में बना ली मैंने 40 फिल्में हो गई थी okay. तो right. right. बैटरी को चार्ज करनी होती है right. इतने साल से काम कर रहा हूँ आई इन डायरेक्टिंग मतलब बाईस साल हो गए मुझे okay. wow. yeah. uh, बात करते हैं आपकी नई फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब अलग है ये फिल्म आपकी पिछली फिल्मों से देखो जहां तक कॉमेडी का सवाल है एंटरटेनमेंट का सवाल है ऑडियंस को जब ऑडियंस देख रही है पिक्चर कितना एंजॉय करती वो मैं कोशिश करता हूँ जो हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि इट शुड बी यू नो पीपल शुड एंजॉय मज़ा ले वो है ऑब्वियसली कहानी जहाँ तक ताल्लुक़ रखती है और कैरेक्टर्स क्या प्ले कर रहे हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होते जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा नया कितना अदरवाइज क्या हो जाता है मेरे साथ अगर मैं कोई सीन शूट कर रहा हूँ हाँ तो सीन लिखा राइटर से बैठा ये सीन है ऐसा सीन, सीन बनता है हम लोग आपस में मैं बोलता है ये सीन मैंने किया हुआ है यार वो वाली फिल्म में देख फिर बोलता नहीं अच्छा ये कही ये भी किया हुआ है अब 40 फिल्म करोगे तो कहीं ना कहीं सीन तो आपका मिलेगा रिपीट आ रहा है, है तो उसको अवॉइड करते करते एक स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग हो यू नो आपकी एक और फिल्म आई थी जो बेहद कामयाब हुई थी गोविंदा के साथ ही साजन चले ससुराल हां कहीं ना कहीं <laughs> नहीं बिल्कुल थोड़ी बहुत मिलती जुलती कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बिल्कुल ही टच एंड गो भी नहीं ओके वाओ ओके यू नो अब आपकी हर फिल्म से बेशुमार उम्मीदें जुड़ी रहती बट पार्टनर के बाद मुझसे शादी करोगी पार्टनर ये दो फिल्मों के बाद इस फिल्म से और चार गुना उम्मीदें बढ़ चुकी हैं आपको लगता है ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी देखो भैया मैं मेरा जहाँ तक एज ए डायरेक्टर का काम है मैंने अपनी तरफ बेस्ट किया कोशिश की है और मैंने ऑडियंस को रख के कोशिश की कि दे कम आउट खुश होकर आए यू you नो know, और स्ट्रेस सारा निकल जाए उनको ऐसा भी इवनिंग में क्या क्या यार यार वो डू देखने चलते यार, वो वो है है कुछ मजा है। तो वो मैं पूरा पूरा मैंने कोशिश की कर बाकी 12 बजे के शो में बता दूंगा आपको क्या पब्लिक बोलती अच्छा <laughs> <laughs> ये टाइटल की, डू या एक तो इंग्लिश टाइटल्स का रिवाज ही शुरू हो गया मुझे ऐसे आ, लग रहा है इंग्लिश you know? टाइटल नहीं बोलूंगा पार्टनर तो हिंदी में भी बोलते हैं पार्टनर है मेरा पार्ट और डू नॉट डिस्टर्ब भी ऐसा टाइटल है कि आम हिंदी वाले भी जानते हैं नो राइट मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है और पिक्चर में भी डू नॉट डिस्टर्ब यूज होता है यूज होता है एक है एक बेहतरीन एक्टर बट आपकी फिल्म में उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एक कदम आगे होती है ऐसी क्या बात है सर एक वो अजीब सा कलाकार है <laughs> गोविंदा जो वो मेरे साथ तो यू you नो know, और कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है मेरी पिक्चर right. में और इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रस्ट एंड फेथ एक्टर और डायरेक्टर का है सही। और हम लोग सेट पे जाके यू you नो know, ऐसा नहीं कि हम प्लान करके आते हैं कि हम लोग ये कर देंगे फोड़ देंगे आज तो कमाल करें कुछ नहीं जैसे आम दूसरे के साथ शूटें बट कुछ ना कुछ बात हो जाती है ऊपर वाली की देन है मुझे लगता है एंड ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर उसकी जो लिटिल लिटिल न्यूसेंसिस फिल्म में होती है छोटी छोटी चीज़ें ऐड करता है करता है इट मेक्स द सीन मोर इंटरेस्टिंग आप एक सीन जैसे बहुत बोरिंग हो सकता है किसी एक्टर के साथ बहुत बोरिंग हो सकता है मतलब ऐसा लगे निकाल दो यार क्यों शूट कर रहा हूँ उसी सीन को अगर मैं गोविंदा के साथ करूँगा आप बिलीव नहीं करोगे आप बोलोगे अरे यार क्या कमाल सीन शूट किया है आपके नजरिए <coughs> में गोविंदा बहुत ज्यादा कमाल एंड यू नो व्हाट विद टाइम मैच्योरिटी आती है ना वो अभी रोल को उसका देखने का नजरिया चेंज हो गया हाउ टू अप्रोच अ रोल पहले क्या है पहले एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग थी वाज यंग 21-22 साल का तो था सही तो so मैंने शुरू किया मुझे याद है एंड उसमें वो जोश में गाना भी करता था सीन भी करता था यू you नो know? वो सब बढ़िया करता कमाल का कैरेक्टर से बाहर अंदर आता जाता रहता था वेरी हेल्पफुल गाय द डायरेक्टर रितेश को सोहेल खान को भी है। 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 right? Now, आपको लगता है गोविंदा जैसे एक्टर के सामने रितेश और सोहेल हंड्रेड परसेंट हैव डन सो वेल होल थिंग इज दर्फॉर्म रितेश एंड गोविंदा के बहुत सीन है

री इंटेलिजेंट और uh, रितेश के साथल के, के साथ बहुत अच्छा फर्स्ट डे से मुझे जो लगा ना दो तो, तीन शॉट के बाद एंड आई रियलाइज अ वेरी प्रिपेयर्ड एक्टर ही वर्क वेरी गुड यू नो एंड ही परफॉर्म सो इजी आई एम टेलिंग गाने गवा लो उसे डांस करा लो ही डज दैट एनी आई मीन ही इज टूडे

यू नो आई वर्क वर्ड फर्स्ट टाइम जब मैंने काम किया वो था बी वी नंबर वन बीवी नंबर वन और मैंने जब शुरू भी किया काम उसको सीन क्या करना है यू नो जहाँ तक मेकअप कपड़े उपड़े का सवाल है शी नो इज़ वेरी गुड मिस यूनिवर्स ऑबलींट यू नो लुक ले के आएगी बट आई डेंट नो देट शी वॉज सच अ फाइन इतनी अच्छी कलाकार वो काम करने के बाद मैंने Realize मेरे को पहले लगा ये बंगाली है इसकी हिंदी खराब होगी कैसे होगी उसकी हिंदी बहुत अच्छी है उसकी लैंग्वेज पे कमांड मतलब

सर चालीस फिल्म करने के बाद अब मैं to to film, फिल्म ना ना, जी, आपकी फिल्मों में बहुत रहता है। है। आप एंटरटेनमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं कितना, कितना, कितना है कितना कठिन है, है। दर्शकों को और घंटे <coughs> तक आई थिंक बहुत मुश्किल है इट्स नॉट ईजी यू नो एंड यू नो कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि आपने कर लिए और उसमें पता लगा ज्यादा एंटरटेनमेंट हो गया यार ये तो आप सोच के बैठे ये सीन में ये हंसेंगे ऐसा कुछ नहीं हंसेंगे

अनीस <laughs> की पिक्चर जब शुरू शुरू में लगी उसमें लिखते हैं डेविड धन की ये फिल्म मैंने मेरी नहीं है यार ये या अनीस है यार यू नो दे टू फील दैट आई हैव डायरेक्टेड बट अनीस इज इवॉल्ड अलाउट अनिस बीन वेरी गुड विथ मी मतलब उसने मेरी स्वर्ग लिखी थी एंड अनीश इज बेसिकली अ डायलॉग राइटर आया था जो ना एंड फिर उसके बाद आँखें लिखी उसने मेरे लिए शोला शबनम में डायलॉग राइटर था तो मेरे साथ बहुत वो काम में, में उस जर्नी में बहुत किया एंड आई रियली इंजॉय देन रोमी आ गया रोमी ने मेरे साथ बहुत काम किया रोमी तो स्टार्टेड इज करियर विथ मी बेसिकली इफ यू थिंक ऑफ इट एंड ही मी मी एंड इट टुक अ लॉट फ्रॉम यू नो मेरे साथ जितना उसका मेरा रिलेशन भी वो छोटे भाई जैसा है मेरा सो आई एम आई एम अ लिटिल प्रोडक्टिव टू हिम एव ओके इससे परे हट के बात करते हैं तो पार्टनर टू आप शुरू करने वाले थे बट सुनने में आया कि आपने जो स्क्रिप्ट तैयार की वो नहीं, वैसे नहीं बन पाई वो सलमान और गोविंदा अच्छा को पसंद नहीं पहली बात सर गोविंदा और सलमान स्क्रिप्ट सुनते नहीं है ये तो मैंने इतनी फिल्में की है गोविंदा मुझे बोलता डेट तू स्क्रिप्ट मेरे को आज तक नहीं सुनाई कल मुझे बोल रहा था मैंने तेरे को स्क्रिप्ट क्या सुनाऊँ मैं यार तेरे को मतलब आई एव नेवर इवन सलमान कभी स्क्रिप्ट नहीं वी सिट डाउन एंड वी डिसाइड वो मुझे बोले डेट ये बना ले ऐसा कर ले ये कर ले इतना होता है नेवर एवर संजय दत्त कभी स्क्रिप्ट नहीं दिस पीपल हैव नेवर एवर यू नो तो ऐसा नहीं हमने खुद थोड़ा डिले किया था काम बट वी स्टार्ट वर्किंग नाओ ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देन यू नो उसने देन सलमान स्टार्टेड वर्किंग इन इसने वॉन्टेड शुरू हुई फिर वीर है ये तो मेरी ये दो पिक्चरें शुरू तो हैव टू कम टू अ पॉइंट ना। आपकी एक और फिल्म बन रही है जो है, है, है। तो, okay. तो लास्ट है वो लास्ट डे की शूटिंग में सबको मालूम है बालाजी की बॉल थी क्रिकेट इज इन्वॉल्व इन द फिल्म और जॉन खेल रहा था जो

ज आर मोर बिजी आपका, बेटा रोहित, आपका बड़ा बेटा, आ, वो आ, अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहा या, या, है और सुना है अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम उस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे सही है? देखो वो कोशिश जो उसकी है वो खुद मैं अच्छा सबसे पहले तो मैं जो रोहित कर रहा है ना उसमें मेरा कुछ जो है ना दखल अंदाजी नहीं है ने? सिर्फ इतना कि वो मेरा बेटा है और वो पढ़ा लिखा बेटा है जो हीडी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जाके एनवाई के टिश स्कूल से ही डि ग्रेजुएशन इन फिल्म मेकिंग आके ही मेरे को एक पिक्चर में उसने असिस्ट किया जो है पार्टनर पार्टनर मोरलेस लिखी भी उसने ओके या फुल मतलब मेजर क्रेडिट गोस्ट है और उसके बाद हुआ क्रुक भी पूरी डिजाइनिंग इज ऑल्सो वि उसने की मेरे साथ सेट्स पर बैठा क्लोथ्स पर बैठा लुक के ऊपर बैठा सब उसने किया एंड बाय द टाइम उसने स्क्रिप्ट लिखी एंड अक्षय लव गोइंग टू प्रोड्यूस और आपके जो दूसरे बेटे हैं वरुण वो वो बच्चा है छोटा है अभी या बट वो भी नॉटिंग से वो बिजनेस मैनेजमेंट करके आया है एंड इज वर्किंग विद करण और माय नेम इज़ खान इट्स अ बिग राइट यू नो learning, learning process you yes. know it's a good school for him and he's finishing in october and after that his training will start and by god's great 2010 mein hum usko launch karenge as an actor devin ji ek baat main hamesha aap se puchna chahta tha wo ye ki manmohan desai ko the biggest entertainer कहते थे 1970s, 1980s. मैं आज भी कहता हूँ मेरे तो गुरु है वो I went to the F.T.I. टी आई मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया पढ़ने गया ये सोच के कि मैं मनमोहन देसाई की फिल्में बनाऊंगा ये मेरा गुरु है और मुझे याद है जब मैं वापस पास आउट होके आया था तो इनकी अमर अकबर एंथनी लगी थी और मैं उनको ही फॉलो करता और मैंने जब पहली पिक्चर ताकतवर भी बनाई उनको रख के बनाई आप कैरेक्टर्स देखोगे मेरी पिक्चर में बहुत मिलते जुलते लगेगा ऐसे लगे मनमोहन देसाई जी का कोई असिस्टेंट होगा और उन्होंने देखी भी पिक्चर और उन्होंने बोला ये लड़का कौन है यार ये क्या कर रहा है रहे तो मेरी पिक्चर बना था तो टाइम चला गया यू नो आई बी के में डायरेक्टर मेरी पिछड़े चलने लग गई लाइन से बहुत पिछड़े चली मेरी आप बिलीव नहीं करोगे एक दिन मैं इना मीना डीका की शूटिंग कर रहा था महबूब में और कोई आया मिलने के लिए और बोला कि मनमोहन जी आए मिलने ये तो ज़मीन निकल गई मतलब असो तो मेरे लिए तो वो इज लाइक अ फादर फिगर मतलब मेरे गुरु जैसे मैंने एंड मैंने क्या हुआ मैं अंदर गया मैं गया तो उनको मिलने गया मैं तो वैन में गया तो मैंने कहा सर अरे आप क्यों आए मुझे कहता नहीं मुझे जरूरत मतलब, है आई वांट यू टू डायरेक्ट अ फिल्म फॉर मी इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मतलब लाइफ मतलब और क्या जर्नी कंप्लीट हो गई मुझे तो लगता है आई took my children to his office in the खेतवाड़ी हाँ yes. बच्चे छोटे थे मेरे बहुत i said to get them blessed i said this is the man i am here because his cinema has brought me here i mean he is one cinema which a lot of people copy yes lot of today i can pinpoint the matlab <laughs> one one decide

एक बार फिर साथ आ रहे हो अगेन uh, उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है क्या लगता है क्या खासियत है इस बार आपकी फिल्म की एक तीन जने बहुत पॉजिटिव लोग तीन जने आ रहे हैं right. हाँ और पिक्चर इतनी स्मूथली बनी है मैंने वाशु जी का इंटरव्यू है वाशु एज अ प्रोड्यूसर हैज़ बीन वेरी जब मैं पहली पिक्चर की थी मैंने कुली नंबर वन ही वॉज अ न्यू गाय मतलब वो नए थे उनको कुछ आता नहीं था ही वॉज अ बिजनेस मतलब वो इधर खड़े रहते थे पीछे कुछ भी हाँ डेविद कैसे करना क्या करना ही वॉज लर्निंग वो लर्निंग करते करते कब कितना लर्न कर लिया मालूम ही नहीं पड़ा एंड ही इज ही इज एन अमेजिंग गाय वन थिंग एक बताऊँ उसमें क्या है वो जोश बहुत है और फ्रंट फुट पे खेलते हैं वो जैसे क्रिकेट है ना है उसी तरह ही गिव यू एवरी थिंग और फट से जैसे कोई डिसीजन लेना है मुझे याद है मैं शूटिंग कर रहा था इटली में और मुझे लगा लोकेशन ही नहीं अब इटली में तकलीफ दे रही थे मिल नहीं रही थी वहाँ के जो काउंसिल वाले भी यानी और मैंने उनको पाँच बजे फोन किया शाम को शूटिंग पैकअप हुए मैंने कल शूटिंग नहीं कर सकते इधर कुछ नहीं है भैया कहता क्या बात कर रहे मतलब इधर करना है बोलते नहीं कर सकते क्या करें ठीक है मैं जब तक होटल पहुँचाऊँ दो घंटे के बाद बैठे होते हैं बोला फ्रांस करेंगे साउथ ऑफ फ्रांस रातों रात ही ऑर्गेनाइज यूनिट को सुबह निकले हम लोग सुबह जाके पहुँच गए फ्रांस नेक्स्ट डे से जाके सब ऑर्गेनाइज शूटिंग शुरू कर दी मच बेटर सो ही इज़ यू नो ही टेक्स अ डिसीशन एन इज़ अच्छा वो बजट पे कभी ऐसा नहीं कि बजट लेके बनाते कभी नहीं वी नेवर डिस्कस दिस थिंग करना तो करना है मतलब नहीं नहीं बहुत यार ऑफ मतलब बहुत ही इज वेरी गुड यार और मेरे साथ तो कमाल है। एल टेल्यू नो इंटर कुछ नहीं मेरे को जो करना मैं कर सकता हूँ मेजर हिट्स साहब एंड इज दिस कंपनी तुम्हारी है यार धवन वाशु बगनानी गोविंदा जब तीनों साथ आ रहे हो एक बार फिर तो निशाना लगेगा इस बार मुझे अच्छा हो गया है और एक्टर्स uh, बहुत अच्छे है, you know? जितने है मजे मजे में पिक्चर बनती है तो वो मजा पब्लिक भी लेगी

एक राइट right, बिजनेस uh, मिलता है हम लोग को देखने को थैंक यू सो यू शुड कीप दैट अप। थैंक यू सो मच ऑफ यू थैंक यू